फिनॉइल पे कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था एसजीवीएन को लेकर, उसमें एक टारगेट प्राइस दिया था 35 रुपीज के आसपास। वो टारगेट प्राइस आप देख सकते हैं हिट हुआ था। हम लोग ऐसे ही कोशिश करते हैं आपके साथ हर एक वीडियो जो बनाते हैं शेयर मार्केट को लेकर या फिर शेयर्स को लेकर, उसके बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दिया जाए। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं दोस्तों, हम लोग कह रहे हैं जो भी शेयर का टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस हम लोग देते हैं उसी टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस के लिए आपको स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए, बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी कोई शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। इस वीडियो में SGBN को लेकर बहुत सारे अपडेट्स है दोस्तों, हम लोग कोशिश करेंगे वो आपके साथ शेयर किया जाए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो 6 महीने के अंदर SGBN के शेयर ने 26.10% का रिटर्न दिया। यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ, इसका यहाँ पे ग्राफ देखेंगे तो जबरदस्त रिटर्न 6 महीने के अंदर देखने को मिला। 26% के ऊपर इसने रिटर्न दिया है। 1 मंथ के अंदर बात करते हैं तो 16% के नीचे इसने जो है गिरावट दिखाया शेयर में। 5 डेज के अंदर बात करते हैं 0.87% का गिरावट दिखाया। 1 डे में बात करते तो 2.14% का इसने गिरावट दिया। 6 महीने के अंदर दोस्तों इसका आप जो हाई प्राइस है यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ये शेयर 40 रुपीज़ के ऊपर पहुंच गया था। तो मतलब दोस्तों ये शेयर 40 रुपीज़ के ऊपर पहुंचा था। SGBN का शेयर अगर आप देखते हैं तो 26 रुपये के नीचे भी ट्रेड चल रहा था। यहाँ पे अगर आप देखते 26 रुपये के आसपास भी या फिर इसके नीचे भी शेयर पहुंच गया था, और उसके बाद इसने एक जो हाई प्राइस बनाया 40 रुपीज़ के ऊपर शेयर ये पहुंच गया था। तो SGBN कंपनी का अगर देखते हैं डिटेल्स, SGBN में खरीदारी करते हैं अगर, तो आप देख सकते हैं SGBN को लेकर जो इसका स्टॉक का प्राइस है अभी, जो इसका स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो इसका बुक वैल्यू का 0.98 टाइम्स का है। तो यहाँ पे फिलहाल अभी स्टॉक का जो प्राइस है एक सही प्राइस लग रहा है। इसका अभी मार्केट कैप देख सकते हैं दोस्तों 13,499 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस जो है इसका देखा हम लोगों ने, हाई प्राइस जो इसने दिया है 42.40 पैसे का, एंड जो लो प्राइस बनाया 25.40 पैसे का। एंड यहाँ पे देखते बुक वैल्यू दोस्तों 35.60 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू 35.60 रुपीज़ का है। तो इसका जो अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो बुक वैल्यू का 0.98 टाइम्स है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट। तो डिविडेंड का बात करते हैं दोस्तों SGBN का, तो छोटा डिविडेंड मिलता है, शेयर का प्राइस भी उतना कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पे जो डिविडेंड देखने को मिलता है SGBN में, छोटा मोटा डिविडेंड आपको देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अभी आप देखिए, द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पोर सेल्स ग्रोथ ऑफ -2.04 ओवर पास्ट 5 ईयर्स। कंपनी का SGBN का 5 ईयर्स में अगर सेल्स ग्रोथ देखते हैं जो कि माइनस में 2.04%। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11.6 ओवर लास्ट 3 ईयर्स। शेयर में उतना कुछ खास तेजी नहीं देखने को मिलता है, फिर भी अगर देखेंगे सही दाम में अगर शेयर खरीदते हैं तो इसमें जो आपको 1 से 2 रुपये के आसपास रिटर्न देखने को मिल जाता है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। हो सकता है कंपनी जो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कैपिटलाइज करे। तो अभी आप देखिए SGBN में चल क्या रहा है। SGBN कंपनी का शेयर का जो प्राइस है उसमें तो गिरावट चल रहा है, अभी SGBN में चल क्या रहा है। SGBN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैव बीन सैंक्शनड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹4,444.71 करोड़ फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ 1,000 मेगावाट AC प्रोजेक्ट बीइंग इंप्लीमेंटेड एट बीकानेर राजस्थान। तो राजस्थान में बीकानेर में जो एक प्रोजेक्ट बन रहा है 1000 मेगावाट AC का, उसके लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंट मिला है SGBN को, या फिर सैंक्शन हुआ है SGBN को एक फाइनेंशियल असिस्टेंट, वो है 4,444.71 करोड़ का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बोल सकते कि जो लेंडर से लोथरा एंड लोथरा लॉ ऑफिस इंडिया एक्टेड एज लेंडर लीगल काउंसिल इन दिस ट्रांजेक्शन, जो यहाँ पे अमाउंट सेंक्शन हुआ है SGBN को, द ट्रांजेक्शन टीम कंसिडर्ड टू गिरीश रावत हिमेश बोरा, जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन टीम का है, उन लोगों से ये अपडेट आया है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों, जहाँ पे SGBN का अगर आप प्रोजेक्ट की बात करते हैं SGBN कंपनी का, तो देश में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे SGBN काम कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन लोग को मिल भी रहा है। SGBN का अगर आप डिटेल्स देखते हैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे डिटेल्स प्रोजेक्ट जो मिल के भी रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट जो है अभी इंडिया का द्रौपदी मुर्मू लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ SGBN 1000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन राजस्थान। तो ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है राजस्थान में, जिसके लिए इनको एक बहुत बड़ा अमाउंट सैंक्शन हुआ है, उसका जो स्टोन फाउंडेशन है वो किया है इंडिया का प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। द मैक्सिमम यूसेज चार्जेस हैव बीन फिक्स्ड एट ₹2.57% which will help in providing cheaper electricity to the consumer।
तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्राइस रखा गया चार्ज करने के लिए वो है 2.57% पर यूनिट, माफ कीजिए 2.57% पर यूनिट, जो कंज्यूमर को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि उसमें जो अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट का उसमें बहुत ज्यादा कम देखने को मिल सकता है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन ट्यूजडे वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्टेट ओन एनर्जी फर्म SJVN's 1000 मेगावाट बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट इन जयपुर राजस्थान। तो यहाँ पे जो ये स्टोन रखा गया है इंडिया के प्रेसिडेंट की ओर से, एक वर्चुअली इवेंट था उसमें ये रखा गया है, एंड गवर्नर ऑफ राजस्थान एंड स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान ऑल्सो अटेंडेड द इवेंट SJVN सेड। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो राजस्थान का बीकानेर में हो रहा है, उसमें आप देख सकते हैं जहाँ पे इंडिया का प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर राजस्थान का, और उसके बाद गवर्नर जो है वो लोग भी उसमें थे, जहाँ पे ये इसका जो स्टोन है प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू इट्स होल्ली ओन सब्सिडरी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, द कंपनी सेड। तो जो प्रोजेक्ट है राजस्थान में जो हो रहा है 1000 मेगावाट का, ये जो है होल्डी ये ओन, मतलब जो भी इसका होल्डी ये रहेगा, जो मेन ये है वो है SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड करके जो कंपनी है उसका ही है। अकॉर्डिंग टू SJVN CMD नंदलाल शर्मा, डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज ₹5,492 करोड़ एंड वायबिलिटी गैप फंडिंग सपोर्ट ऑफ ₹44.72 लाख पर मेगावाट फॉर दिस प्रोजेक्ट इज बींग डन बाई IREDA। तो ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है राजस्थान में, इसका जो उस पूरा मिला के प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो है 5,492 करोड़ का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इट विल कम 5,000 एकर्स एरिया। तो राजस्थान में 1000 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, टोटल 5,000 एकर्स में ये होगा, और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट की ओर से भी इसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके चलते देखेंगे तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है उनका जो भी अभी अमाउंट है कंज्यूम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, उसमें एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। आप जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 2.57 के रुपीस के आसपास जो है यहाँ पर यूनिट मिलेगा, मैक्सिमम यूनिट बताया जा रहा है चार्जेस। द प्रोजेक्ट इज शेड्यूल्ड टू बी कमीशनड बाय मार्च 2024, ही सेड। तो 2024 के आसपास जो ये कमीशन हो जाएगा। एडिंग द प्रोजेक्ट विल जनरेट 2,454.55 मिलियन यूनिट्स इन द फर्स्ट ईयर एंड अप्रॉक्सिमेटली 56,838 MU would be generated on the basis over a period of 25 years. The project would also lead to reduction in carbon emissions. तो यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसका अगर देखते हैं तो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, और लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट मिला है SJVN को, और इसमें फ़ायदा हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर जो भी रहेगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हुआ के, उनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और बहुत बड़ा फ़ायदा SJVN को भी होगा, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब कोई भी कंपनी लेता है उसमें उनका भी बहुत बड़ा फायदा रहता है। तो इसमें इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं ये लोग, जिसके चलते इनको लॉन्ग टर्म में भी एक फ़ायदा हो सकता है SJVN को, और उसके चलते अगर हम लोग देखते हैं कि शेयर का प्राइस तो भाई अभी 34-35 रुपीज़ चल रहा है, अभी क्या करना चाहिए। देखिए लॉन्ग टर्म में अगर शेयर खरीदते हैं SJVN का तो ज़रूर खरीद लीजिए 4-5 रुपये के आसपास एक टारगेट प्राइस रख के। हाँ, अगर यहाँ पे और भी कुछ, मतलब मान लीजिए अगर SJVN में और भी कुछ जैसे कि प्रोसेस वगैरह आते ही रहते हैं, शेयर का प्राइस और बढ़ता रहता है, तो आप उसमें जो है और प्राइजेस जो है बढ़ा सकते हैं। फिलहाल के लिए ये स्टॉक में जो हम लोगों ने देखा है, स्टॉक में जो अभी चल रहा है, तो 34 के आसपास अभी शेयर चल रहा है, तो लगभग जो है 36-37 के आसपास भी रख के चल सकते हैं। खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए दोस्तों शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, वीडियो बनाने का मकसद यही था SJVN में क्या चल रहा है, SJVN के शेयर में क्या चल रहा है, छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।